तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और अभी अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ। अभी भी नहीं आ रहे हो, 5 मिनट हो गए। मतलब अभी अभी 5 मिनट हो, अभी मैं क्या रखा है यार। तो मैं आते आते पता है सब्जी उब्जी वगैरह लेते आया था, प्याज था और खीरा था, धनिया मिर्चा और लहसुन। और तो देखिए आए हुए हैं अमित जी, हैं किट्टू जी, हैं सोनाक्षी है और इधर मैडम जी हमारे गर्मा गर्म सबसे चाय बना रही हैं। इनके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी। पानी बंद कर दो, भूल गए बंद करना। पानी यार, पानी बचाओ देश बचाओ। तो दोस्तों ये चाय बहुत ही अच्छा बनाती है, कहते हैं ना आज वैसे तो सब कुछ ही बहुत ही अच्छा बनाती है। चाय की खुशबू खींच लाई ना जल्दी मुझे ऑफिस से आज। तो गाइस तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, जो लोग खाने का मन था इसलिए जल्दी आ गए। तो आज दोस्तों चिकन की पार्टी होने वाला है यार। तो चिकन पेन मैं ला के रख दिया हूँ, अब बनाना बाकी भी बहुत सारा काम है। तो मैं कह रहा था जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं या जो पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इधर चाय इनका रेडी हो गया है दोस्तों, और मुझे गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, और तो इसीलिए शर्ट वगैरह सब निकाल के रख दिया हूँ और चाय ये जा रही सबको देने। हाँ जी, ये सुंदर लग रही है आज। चाय के साथ है, इसमें मिट्टी है और नमकीन है। चलो बैक कैमरा करके दिखाते हैं हम लोगों को। तो गाइस चाय रेडी हो गया, अब जा रही सर्व करने। चलो आराम से ध्यान से। अरे गर्मा गर्म है तो चाय तो निकलेगा ही। तो इधर सब लोग बैठे हुए हैं, लीजिए गर्मा गर्म चाय, फिर उसके बाद होगा चिकन पार्टी। अदरक वाला पीते हैं, एकदम कड़क चाय। पता नहीं आपके इतना कड़क, मतलब आपके जैसे जैसे आप पीते हैं उस तरह कड़क हो पाएंगे, हम क्या बोल रहे हैं। अदरक नहीं, अदरक एकदम कड़क होने चाहिए, लड़की कड़क होनी चाहिए, चाय कड़क होनी चाहिए। पता नहीं उस हिसाब से बनाए कि नहीं, जितना कड़क। बैठ जाओ आप भी, ठीक है, दो बार डाला, आप भी बैठ जाओ। लेके आ रही अदरक की खुशबू आ रही है काफी तेज। हाँ यार वो मेरे जेब में बचा था ना, वही पैसा बचा हुआ है। पैसा पे ध्यान पहले आता है लड़कियों का, नहीं रखा था सामने। तो गाइस देखो ऋषभ, ऋषभ तुम भी पियोगे चाय? तो इधर मैडम जी अपने भी लेने आ गई है चाय। अरे हम चाय अभी नहीं पियेंगे, अभी हम थोड़ा पानी पियेंगे। हाँ हाँ आप कर लेंगे। तो गाइस चलो चलते हैं, चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से अभी। तो गाइस आज का चिकन तो बन गया है, बंदा दी ने बनाया था और सब लोगों ने खा लिया है, सबका पेट भर गया। चिकन बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी, इतना भर गया पेट बाहर आ, इतना खाया हूँ पेट बाहर आ। अब खाने के बाद क्या है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी ले तो मजा आ जाता है सोने पे सुहागा। हाँ जी, यानी मेरे मन की बात छीन ली एकदम। बिल्कुल जी, मैं उनकी बात छीन ही लेंगे। अब सारे बर्तन धुल गए, तो साफ ही जगह पे तो लगे खाना बना था कि आप लोग कमेंट मत करना, खा पी के निकल गए। आज का सारा काम बन्ना जी ने किया है, नहीं सब ने किया मिलजुल कर। अरे मतलब चिकन जो मेन काम होता है आपने बनाया है और बड़ा अच्छा चिकन बना था, बहुत टेस्टी चिकन बना था। ये होता है बड़प्पन, वंदना जी ने बोल दिया। यहाँ सबसे बड़ी बड़ी बुजुर्ग में वही है, बुजुर्ग छोटे है ना, तो बुजुर्ग आप ही हमारे 60 साल की बना दी वंदना जी को। मेरे से बहुत बड़ी है, हम लोगों से तो बहुत बहुत बड़ी नहीं है जी, पीने से बड़ा है। और क्या बड़ी हो यार, छोटे हैं, 1990 में तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हुई थी। कुछ भी इससे क्या हुआ। तो गाइस बड़े छोटे सब बच्चे हैं, फिर भी सच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। कैसे ड्रिंक पी रहे हो तुम? ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। चलो तो गाइस अब ये सब जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये लोग आए। पता नहीं क्या रहता है, क्या था जिसमें आप खोलिएगा, आप जानिए किट्टो ने क्या गिफ्ट दिया था। और बहुत सारे गिफ्ट है, मतलब जो भी है आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे, वो हमारे चैनल पे आएगा विनय कुमार ब्लॉग्स पे। तो गाइस इस रूम में गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि इधर एसी नहीं है, पंखा का सहारा है बस। ये चलते उस रूम में, उस रूम में एसी चल रहा है और पंखा भी चल रहा है। ले चलो, आप ठंडा लग रहा है ना, ये लोग ज्यादा होते तो गर्मी लगता ही है।
तो गाइस चलो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर में। अब आएंगे जब एक बोतल है। तो गाइस सब लोग अब जा रहे हैं, खाना पीना खा लिए हैं। ये भी फोन में लगे हुए हैं। नहीं दे दिया फोन मैंने, गिट्टू फोन दिया ना तुम्हारा मैंने, तुमको दिया तो। इतने सारे फोन है कि लोग भूल जाते हैं कितना फोन है। अच्छा मेरा फोन है वो, नहीं जाने दो, फंस जाएगा हम लोगों का। लेकिन आपकी सीढ़ी पे चढ़ते ना ये बहुत तेज फूल रहा है साथ। तो यही सोच रहे पापा कैसे आते थे यार, पापा आते थे कैसे आते, बहुत थक जाते, तीसरा फ्लोर है इसलिए मैं इनको ना एकदम एकदम सही रहता, चढ़ने में दिक्कत है। 100 बार सोचना पड़ता होगा कि चले कि ना चले। हम लोग पहले चौथे फ्लोर पे रहते थे, जाते थे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट्स, बाय बाय। मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कल हमारे घर पे वंदा दी और किट्टो दोनों जीजा दोनों लोग आए थे, बच्चे भी आए थे, और उन सबको पता है कि मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो इसीलिए हमारे साथ बहुत हेल्प कराएं और बहुत अच्छा भी लगा। और मैं सुबह सुबह चाय लेके बैठी हूँ, चाय तो वैसे छोड़ दिया है मैंने, इनका रिएक्शन देखिए चाय छोड़ दिया था मैंने, बट फिर भी नहीं रहा जाता है। जो चाय के आदी होते हैं ना, जिनको चाय का लत लग जाता है वो नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे मुझे। तो मैं काम करने की स्थिति में नहीं थी, उन्होंने बहुत सारा हेल्प कराया और जितना काम हो सका, बर्तन वगैरह सब धो के तब गई। आपने उनके ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा जाके। और सुबह मैं सुबह उठ के गई, पहले बहुत सारा चेकअप वगैरह लिखा था डॉक्टर ने, तो चेकअप वगैरह कर लिए हैं। और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर जाना है। हाँ अभी 2 घंटे बाद फिर जाना है, यहाँ पे वो लगाया है फैन। तो फिर उसके बाद अब ये चाय पी रहे हैं, इनको ड्यूटी जाना है ना, ड्यूटी जा रहे हो तो ये तो चले जाएंगे ड्यूटी, फिर मेरा काम है, मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेंगे ना, रिपोर्ट लेना है ना। नहीं एक मतलब एक चेकअप और होगा, एक चेकअप और होगा, उन्होंने बोला कि हाँ खा पी खाने 2 घंटे बाद, एक खाली पेट होता है, खाने 2 घंटे बाद होता है, तो जो उनसे हो सका वो किए। फिर उसके बाद बोले आप 2 घंटे बाद आइएगा खा पी के, तब उसके बाद हम बोले 2 घंटे तब चलते हैं घर पे, क्या करेंगे वहाँ बैठ के। तो आगे 12 बजे है ना, 1:30 बजे बोले। हाँ तो 1:30 बजे मुझे जाना है फिर से चेकअप कराना है दूसरा वाला, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या रिपोर्ट में आता है, फिर डॉक्टर के पास भी कल जाना है ना, कल सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाना है। तो ये तो जनाब जा रहे हैं ड्यूटी, जाओ। हाँ या क्योंकि दोस्तों 2 घंटे हम कहाँ रुक पाएंगे, बगल में है इसलिए हम कह आप चले आना अकेले ध्यान से। इनको वैसे भी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, ड्यूटी का टाइम इनका 11 बजे का है, फिर भी 12 बज गया। और सर से अपने बात कर लिए कि सर आज थोड़ा लेट होगा, अभी सर ने रिप्लाई नहीं दिया है, दे देंगे। तो यही सब है, बाकी सब कपड़े वगैरह फैले हैं सब, अभी साफ सफाई करेंगे, बहुत सारा सामान वगैरह फैला हुआ है। तो गाइस बहुत ज़्यादा हाथ दर्द दे रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इधर कैसे दिखाया है, देखा है आपको, ये देखिए ब्लड टेस्ट हुआ है हमारा, तो बहुत ज़्यादा हाथ ना मतलब झंझनाहट टाइप का लग रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो देखते हैं कब तक ठीक होता है, क्योंकि बहुत सारा काम भी करना है। और आप लोगों का दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, कि मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आपने विदाई में क्या दिया है, आप बोल रही हैं ये दिया है वो दिया है विदाई में, विदाई में बहुत कुछ यार, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो विदाई में वो कुछ ले नहीं, भाभी से मैंने पूछा, इन्होंने पहले जाके पूनम दी से बोला कि चलिए मैं आपको मार्केट करा, अब मेरे घर आई हैं तो मेरा फ़र्ज है, छोटे बड़े वाली बात नहीं है, पहले जो मेरा फ़र्ज है वो। तो पूनम दी बोली नहीं जाने दो, अभी तुम लोग नए नए शिफ्ट हुए बहुत खर्चा हो गया, चलो छोड़ो जाने दो। यही बात सेम भाभी ने भी बोला था कि पापा को तुमने गिफ्ट दे दिए, समझ लो हम सबको भी दे दिए, और उसके बाद यही सब बात बोल रही थी। और हमने बोला भाभी चलिए आपको क्या चाहिए बताइए, चलिए हम आपको मार्केट करा देते हैं, चलिए जो बताइए जो चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, पहली बात तो देखो तुम लोग का इतना खर्चा हो गया गोद भराई में, और उसके बाद नए नए शिफ्ट हुए हो यहाँ, मतलब आपको पता है ये सब पूरा किचन में जो हम लोग पाइप वगैरह लगवाए हैं, उसके बाद बहुत सारा ऐसा शॉपिंग वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसलिए वो बोली तुम लोग का बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, हम कुछ नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम लोग छोटे हो हमसे और हम बड़े हैं, मेरा देने का फर्ज है लेने का नहीं, तो यही सब बात है। तो मैंने बोला कि चलिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं,
और बच्चे के कपड़े के लिए मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं कपड़े तो हमने ले लिया है पहले से ही, कपड़े क्या करेंगे बच्चों का ज़्यादा लेके, कपड़े हमने वो ऑलरेडी कपड़े जो है दो दो तीन दिन ले लिए थे और उधर से किट्टो नदी सब लोग दे दी थी, तो बोली कपड़े हम लोग के पास तमाम हो गया है जाने दीजिए। तो हम लोगों ने बोला तब हम लोग क्या दे सकते हैं समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बोल रही थी नहीं लेंगे, तो फिर भी हमने अपने हिसाब से पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने अपने हिसाब से सबको बच्चों लोग को 500-500 रुपये विदाई दे दिया है। तो आप लोग अब भी कमेंट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं आप लोग करिए ठीक है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।